तो उठलान थे मेरे शौन अनंत है मेरे प्यार तो पेश तमर सामने आज विशेष आज मैं तिम थे बताने वाल छू। जिस तरह से होली एक उमंग उल्लास का त्यौहार रहता है तो इस वर्ष 2021 में किस तरह का त्यौहार होली का रहा वो मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो सबसे पहले जब भी होली की बात आती है तो गुजिया बनाया जाता है। तो गुजिया बनाने के लिए ये हाथ से ही गुजिया बनाया गया है, मशीन के द्वारा नहीं। और ये गुजिया किस विधि से बनाया जा रहा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैदा उसको गुथा गया ये देखिए, और इसके अंदर फिर जो सामग्री भरा जाता है वो सब तैयार है। और इस तरह से फिर तेल में उसको रखकर कुछ देर पकाया जाता है। जब अच्छी तरह से पक जाता है फिर गुजिया तैयार हो जाता है। ये देखिए बीच बीच में उसको हिलाना डुलाना ताकि तेल में अच्छी तरह से गुजिया पक सके। ये आपके सम्मुख ये भरा जा रहा है अंदर गुजिया के अंदर, और ये चारों ओर से ये लगा लिया गया। फिर इस विधि से जो है गुजिया को आकृति दिया गया है बिना मशीन का, और ये गुजिया लगभग लगभग अब जो है तैयार हो रहा है। और मन कर रहा है कि एक चखूं तो सही कैसा बना हुआ है स्वाद में। ये देखो पहले भगवान को चढ़ाएंगे उसके बाद हम भी चखेंगे। अरे भाई अब तो एक गुजिया चखा दो। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जरा और बनाओ गुजिया। बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया बना है भाई, और सभी को खिलाना भी है। बनाओ बनाओ इसको, तो मैं कल अपने दोस्तों को खिलाऊंगा। सारा लेके जाता हूँ चुपचाप। तो अब चल पड़ते हैं सामने मैदान में जहां पर होलिका दहन की तैयारी पूरी तरह से किया जा चुका है। ये देखो यहाँ पर लकड़ियां इकट्ठा की जा चुकी है, और आज 28 मार्च 2021 को होलिका दहन किया जाएगा। तो सभी लोगों द्वारा यहाँ पर जो है सामग्री इकट्ठा किया गया है होलिका दहन के लिए, और थोड़ी देर में यहाँ पर फिर सजावट का कार्य आरंभ हो जाएगा। ये देखो अब महिलाएं यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है, आज होलिका दहन है, और बेहतरीन तरीके से रंगोली से सजाया जाएगा। और जब रंगोली पूर्ण हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगा किस तरह से आज का ये होलिका दहन कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा, और सुंदर नज़ारा सुंदर दृश्य अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ध्यान रख के इंतजार करिए, ये मैं दूर से दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से जो है महिलाएँ यहाँ पर जो है रंगोली सजा रहे हैं। अब मैं अंदर प्रवेश करता हूँ। ये देखो प्रवेश द्वार पर जो रंगोली बनाया गया है बहुत बेहतरीन रंगोली जो है प्रवेश द्वार पर बनाया गया है, और ये पूर्ण रूप से अब रंगोली से सजावट की जा चुकी है होलिका दहन के चारों ओर। और अभी पानी का छिड़काव भी हो रहा है। शाम को 6 बजे सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे आज के होलिका दहन में। तो उसे सुंदर नजारा आपको मैं दिखा रहा हूं, और ये देखिए पूरी तरह से जो है रंगोली से किस तरह से सजावट किया गया है, किस तरह से आकृति यहां पर बनाया गया है वो देखने लायक है। ये देखिए आज होली का दर्शन है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ये बिल्कुल मेरे घर के सामने का दृश्य है, और यहीं पर जो है आज होली का दर्शन दहन किया जाएगा, और सभी लोग जो है शाम को 5:30 बजे से आरंभ होगा आना। चलो अब चलते हैं जरा घर की ओर, शाम को फिर से मिलेंगे इसी मैदान में। तो अब जो है होलिका दहन में लोगों का आना आरंभ हो गया है। लोग बाग घर से निकलकर आज इसी ग्राउंड में आ रहे हैं। देखो किस तरह से लोग बाग आज होलिका दहन यहाँ पर देखेंगे, परिक्रमा करेंगे, वो सारा आज इस वीडियो में आपको मैं आपको दिखाऊंगा। और पूर्ण आस्था से लोग बाग जो है होलिका में जो भी चढ़ाया जाता है, और ये देखो किस तरह से लोग बाग जो है परिक्रमा कर रहे हैं, और
ये अक्सर आपको होलिका दहन जहाँ पर होता है वहाँ महिलाएं और पुरुष परिक्रमा करके इस तरह से बुराई में अच्छाई की जीत प्रतीक है होलिका दहन। तो अब पंडित जी पहुंच चुके हैं, मंत्रोच्चारण के साथ होलिका दहन की तैयारी किया जा रहा है, पंडित जी का पूजा कार्यक्रम आरंभ। तो अब आप देख रहे हैं अपार भीड़ यहाँ पर एकत्र हो चुका है होलिका दहन के लिए। पंडित जी का मंत्रोच्चारण अभी भी जारी है और थोड़ी देर में होलिका दहन का दृश्य दिखाया जाएगा। अपार भीड़, अभी लोग घरों से बाहर निकलकर होलिका दहन के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। इसमें आग लगाई जा चुकी है और थोड़ी देर में जो है होलिका दहन दिखाया जाएगा। ये देखो मेरे सामने, आपके सामने लाने में अत्यधिक आनंद आ रहा है। ये देखो मैं ही हूं यहाँ पर, अभी मैं पूरा नजारा आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। Thank you.
हमारे छत से मेरे घर के सामने होलिका दहन हो रहा है। विश यू ऑल हैप्पी होली, सपंद होली मुबारक हो। से होलिका दहन का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब मिलते हैं कल। होली है। आज होली का पर्व है लेकिन यहाँ पर सुनसान है, यहाँ कोई होली खेले नहीं जा रहे हैं। यदा कदा कहीं पर होली खेलते हुए अगर हो रहे हैं तो बस बच्चे जो है आपस में ही होली खेल रहे हैं, अदरवाइज बहुत ही सुनसान है। यहाँ पे कोई भी जो है होली नहीं खेल रहे हैं, बस इक्के दुक्के फ्रेंड सर्कल में कुछ होली हो रहा है। लेकिन पहाड़ों में तो जम कर होली हो रही है, जिस तरह से वहाँ की वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह से महिलाएं इस बार बढ़ चढ़ कर पहाड़ों में पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं होली में, वाकई जो है काबिले तारीफ है। यहाँ पर कुछ बच्चे वहाँ पर होली खेल रहे हैं और शांत वातावरण, अन्यथा होली के समय में यहाँ पर खूब चहल पहल हुआ करता है। और मैं जा रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ होली हो रही है। हाँ, कुछ लोग जो है रंग लगाए हुए ज़रूर हैं। होली का त्योहार बहुत हर्षोल्लास का होता है लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से सब लोग अपने घरों में हैं। यदा कदा कहीं बच्चे निकल रहे हैं, वही होली खेल रहे हैं। सब जन शून्य है ऐसा प्रतीत हो रहा है। एनीवे, पहाड़ों के जो वीडियोस आ रहे हैं वो बहुत ही देखने लायक है, बहुत मौज मस्ती है। होली का त्यौहार है लेकिन यहाँ पर होली बिल्कुल भी नहीं मनाया जा रहा है। हो, तेरा रंगीला देवर घर है रे छ, तेरा रंगीला तेरा रंगीला देवर घर रे छ, लारे छ विल तेरे ले हेल, लारे छ विल तेरे ले हेल, हाथ गंगन लारे छ, तेरा रंगीला
ओ तेरा रंगीला देवर घर रे कैसे कैसे होली गायन गा के गली गली मोहल्ले मोहल्ले घुमा जाता था, लेकिन आज होली बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोगों को होली मुबारक। हैप्पी होली। तो वर्ष 2021 की होली का कुछ इस तरह का नज़ारा दिल्ली में, लेकिन होली का मज़ा जो हमारे जोहार कुमाऊं में मना रहे हैं उसका तो कुछ अलग ही मज़ा है। चलो सुनते हैं वही जो हमारे लोग गा रहे हैं होली। तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो के कलाते मदाकार चेचवा। और सुने ये बेहतरीन होली।